ओम शांति। आज 20 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर परम सतगुरु ने बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है। गीता का पाठ पढ़ने वाले पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूपव। गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी बनो, अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। पहला पाठ विधि है और अंतिम पाठ विधि से सिद्धि है, इसलिए आप बच्चों को ये पाठ रोज पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। इन श्रेष्ठ स्मृतियों से नष्टो मोहा बन जाएंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा विशेष रूप से हमें समझा रहे हैं कि इस ज्ञान मार्ग में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसकी निशानी है कि आपकी बुद्धि में शांति धाम सुख धाम याद रहेगा, बुद्धि व्यर्थ से मुक्त हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी। ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी निशानी है खुशी बढ़ती जाएगी, एकाग्रता बढ़ती जाएगी। जब यहाँ बैठते हैं तो कोई झुटका नहीं खाना है, बाबा की याद में अटेंशन देना है कि बुद्धि यहाँ वहाँ ना भटके। अगर बुद्धि यहाँ वहाँ भटक रही है तो फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। वायुमंडल में भी वैसे प्रकंपन फैलते हैं, इसलिए बहुत ध्यान देना है कि जब हम याद में बैठे हैं तो कोई और याद ना आए। बाबा ने शुरू शुरू में बच्चों से मेहनत कराई। बाबा किसी की ड्यूटी लगाते थे कि जो बच्चे याद में बैठे हैं देखो एकाग्र होके बैठे हैं, बुद्धि यहाँ वहाँ तो नहीं भटक रही। अगर किसी की बुद्धि भटक रही होती थी, यहाँ वहाँ झांक रहे होते थे, तो बाबा कहते थे अटेंशन प्लीज़, आपको स्वयं पर ध्यान देना है। शासक बाबा ने कहा कि जो पुरुषोत्तम संगम युग है ये कल्याणकारी युग है। आप जब चित्रों में संगम युग दिखाते हैं तो वहाँ पर 10-15 सफ़ेद पोशधारी जरूर दिखाओ कि वो तपस्या कर रहे हैं सुख धाम में जाने के लिए। अभी पहले शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे, और ये दुख धाम है जिसे वैशाल्य कहा जाता है। कुमारियों का बाबा ने आह्वान किया, आपको अपना समय और शक्तियाँ ईश्वरीय सेवा में सफल करनी है। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, जरा भी डरना नहीं, गफलत नहीं करनी, अपना समय ईश्वरीय सेवा में सफल करो, बाबा के मददगार बनो। बाबा कल्प में एक बार आकर हम सबको राजयोग सिखाते हैं। हम सबको भी बाबा का सहयोगी बनना है, मददगार बनना है। बाबा ने कहा जब तुम बच्चे ऐसा करते हो तो माया डंडा लेके बैठी है, वो आपको पुरुषार्थ करने नहीं देती है। आपको डरना नहीं, बाबा को याद करना है। ऐसा कभी नहीं कहना कि मेरे पास बाबा की याद के लिए टाइम नहीं है। आप अपने चने मुट्ठी के बदले हीरे के महल लेते हो, हीरों की मुट्ठी लेते हो, तो अपने समय को सफल करना है। एकाग्र होकर सुनेंगे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो, अब बाबा के मददगार बन बाबा का नाम बाला करो। विशेष ये कुमारियों के प्रति है, वैसे हम सबके लिए है कि हम सभी को अपना समय और शक्तियाँ ईश्वरीय सेवा में सफल करनी है। क्वेश्चन है, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं उसकी निशानी क्या है? ज्ञान मार्ग में कदम आगे बढ़ रहे हैं उसकी निशानी क्या है? जिन बच्चों को शांति धाम सुख धाम याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहीं पर भटकती नहीं, बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते, बुद्धि एकाग्र है, झुटका नहीं खाते,
खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, इससे सिद्ध है कदम आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति। बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में भी आता है हम जैसे शिवालय में बैठे हैं। जब हम बाबा के सम्मुख मुरली सुन रहे हैं, समझो हम शिवालय में बैठे हैं। शिव बाबा भी याद आ जाता, स्वर्ग भी याद आ जाता, याद से सुख मिलता है। ये बुद्धि में याद रहे, हम शिवालय में बैठे हैं तो भी खुशी होगी। अगर ये याद रहे हम शिवालय में बैठे हैं तो भी खुशी होगी। जाना तो आखिर इन सबको शिवालय में है, शांति धाम में कोई को बैठ नहीं जाना। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे, सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे, दोनों स्थापन करते हैं। तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है। वो शिवालय है शांति के लिए और वह शिवालय है सुख के लिए, ये है दुख धाम। अब तुम संगम पर बैठे हो, शांति धाम सुख धाम के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना। यहाँ बैठे हैं तो बुद्धि शांति धाम में जाए, मूल वतन जिसे कहते हैं परम धाम, वहाँ तक जाए, या सुख धाम। धंधे आदि में बैठे हो तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय याद आने चाहिए, दुख धाम भूल जाना है। बच्चे जानते, ये वैशाल्य दुख धाम खत्म हो जाना है। यहाँ बैठे तुम्हें झुटका आदि नहीं खाना चाहिए। याद में बैठे हैं तो अलर्ट होके बैठना, नेत्र खुले रखने हैं। याद में सुख प्राप्त हो, झुटका नहीं खाना है। बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ और तरफ चली जाती, माया के विघ्न पड़ते हैं। तुम बच्चों को बाबा घड़ी घड़ी कहते, बच्चे मन मना भव, भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियाँ बताते हैं। यहाँ बैठे हो बुद्धि में याद करो, हम पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। ऐसा याद करने से पाप कटते जाएंगे। जितना तुम याद करते हो उतना कदम आगे बढ़ाते हो। अनुभव होना चाहिए हम सबको, हम जितना बाबा को याद करते हैं उतना हमारी उन्नति होती रहती है, कदम आगे बढ़ता जाता है। यहाँ और कोई ख्यालात में नहीं बैठना, नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुँचाते हो, फ़ायदे के बदले और ही नुकसान करते हो। आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था, कोई झुटका खाते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं तो उन्हें खबरदार किया जाता था। बाबा कहते, शुरू शुरू में बाबा ने बच्चों को चीज़ें पक्की कराई, याद में आंखें खोल कर बैठना है। ऐसे बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं, ब्राह्मणियाँ ले आती हैं शिव बाबा के आगे, बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए जो गफलत में ना रहे, क्योंकि ये कोई ऑर्डनरी टीचर नहीं है। बाबा जब बैठते हैं दृष्टि देते हैं तो सामने होशियार विद्यार्थी बैठे, अलर्ट होकर बैठने वाले बैठे। बाबा ने कहा ये कोई ऑर्डनरी टीचर नहीं, बाबा बैठ सिखाते हैं, यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना है। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं, तुम घंटा दो घंटा बैठते हो। सब तो महारथी नहीं है, जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है। सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे। जो याद में नहीं रहते, व्यर्थ ख्यालात चलाते रहते हैं, वो जैसे कि विघ्न डालते हैं, क्योंकि बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब बैठे हैं। बाबा के पास वैरायटी है, कोई महारथी बच्चे हैं, कोई घोड़े सवार हैं और कोई पैदल चलने जैसे भी हैं। आज बाबा विचार सागर मंथन करके बच्चों को समझाते हैं। म्यूजियम में व प्रदर्शनी में तुम बच्चे जो शिवालय वैशाल्य और पुरुषोत्तम संगम युग तीनों बताते हो, वो बहुत अच्छा है समझाने के लिए। ये चित्र बड़े बड़े बनाने चाहिए, दूसरों को समझाने के लिए चित्र बहुत बड़े होने चाहिए, अच्छा बड़ा हाल इनके लिए होना चाहिए जो मनुष्यों की बुद्धि में झट बैठे। बच्चों का विचार सागर मंथन चलना चाहिए कि इनमें क्या इम्प्रूवमेंट लाएं। पुरुषोत्तम संगम युग बहुत अच्छा बनाना चाहिए, उससे मनुष्यों को बहुत अच्छी समझाने मिलती है। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, लेकिन 10-15 तपस्या में बिठाने चाहिए, संगम युग पर 10-15 दिखाने चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। तुम इतना समझाते हो,
फिर भी समझते थोड़े ही हैं। तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, पत्थर बुद्धि है ना, तो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना है। जो सर्विस में रहते हैं उन्हें सर्विस बढ़ाने का ख्याल करना है। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मज़ा नहीं है जितना म्यूज़ियम में। भावनिका, प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना समझाने में अच्छा नहीं लगता जितना म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम में मॉडल होते हैं तो देख करके सजीव मूर्तियाँ प्रतीत होती हैं। भावनिका, ये म्यूज़ियम बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे अच्छा म्यूज़ियम भले छोटा हो, एक कमरे में यह शिवालय, वैशालय और पुरुषोत्तम संगम युग का दृश्य हो, सीन हो। समझाने में बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। आप दूसरों को ये बात स्पष्ट कर सके उसके लिए विशाल बुद्धि चाहिए। बेहद का बाप, बेहद का टीचर आए हैं तो वो बैठ थोड़ी जाएंगे कि बच्चे एमए बीए पास कर लें। बाबा बैठे थोड़े ही रहेंगे, थोड़े टाइम में चला जाएगा। बाकी थोड़ा समय है तो भी जागते नहीं हैं, समय बहुत कम है फिर भी जागते नहीं हैं। अच्छी अच्छी जो बच्चियाँ होंगी वो कहेंगी इन 400-500 रुपये के लिए क्यों हम मुफ्त अपना टाइम बर्बाद करें। फिर शिवालय में कम पद पाएंगे। बाबा देखते कुमारियाँ तो फ्री हैं, भले कितनी भी बड़ी पगार हो तो भी ये तो जैसे मुट्ठी में चने हैं, ये सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। बाप चने मुट्ठी अब छुड़ाने के लिए आए हैं परंतु बच्चे छोड़ते नहीं। उसमें है चने मुट्ठी और इसमें है विश्व की बादशाही। वो तो पाई पैसे के चने हैं, उसके पीछे कितने हैरान होते हैं। कुमारियां तो फ्री हैं, बाबा ने कहा कुमारियां तो जितनी चाहे विश्व सेवा कर सकती हैं। बड़ों बड़ों को बैठ करके नॉलेज दें। बाबा शिवालय स्थापन करने आए हैं, जानते हो यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। ये चने भी नसीब में नहीं होंगे, किसकी मुट्ठी में 5 चने 5 लाख होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अभी टाइम बहुत थोड़ा है, दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जाती है, अचानक आफतें आ जाती हैं, मौत भी अचानक आता है। मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं, तो मनुष्यों को इस बंदरपने से छुड़ाना है। सिर्फ म्यूज़ियम देख के खुश नहीं होना, कमाल करके दिखाना है, मनुष्यों को सुधारना है। बाबा बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी तो चने भी किसको नसीब में नहीं आएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। इससे तो क्यों ना बाबा से बादशाही ले लें, कोई तकलीफ की बात नहीं। बस बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। भूगरों से मुट्ठी खाली कर हीरे ज्वारात से मुट्ठी भर कर जाओ। स्थूल चीज़ों से बुद्धि हटाकर बुद्धि में ज्ञान रतन भर के जाओ। बाबा समझाते मीठे बच्चे, इन चने मुट्ठी के पीछे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। हाँ, कोई बुज़ुर्ग बाल बच्चे बहुत हैं तो उनको संभालना होता है, कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, कोई भी आए उन्हें बताओ बाबा हमें बादशाही देते हैं तो बादशाही लेनी चाहिए। अब तुम्हारी मुट्ठी हीरों से भर रही है, बाकी तो सब विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते 63 जन्म तुमने पाप किए, दूसरा पाप बाप और देवताओं की भी गलानी की, विकारी भी बने। बाबा कहते तुमने कितनी गलानी की। बाबा कहते बच्चे तुम्हें टाइम नहीं गंवाना, ऐसे नहीं कि हम बाबा को याद नहीं कर सकते, वायदा करेंगे हमें कभी नहीं कहना कि हम बाबा को याद नहीं कर सकते, मेरे पास याद के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम ही है याद के लिए, बाबा से बात करने के लिए। बोलो बाबा हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते, अपने को भूल जाते हैं, देह अभिमान में आना गोया अपने को भूल जाना। बाबा को सच बताना कि बाबा ये गलती हम करते हैं, अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते तो बाबा को कैसे याद करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, सहज भी बहुत है, बाकी हाँ माया का अपोजिशन होता है, तुम्हें डरना नहीं। बाबा कहते मैं सतगुरु हूँ, गुरुओं का भी गुरु मैं सतगुरु हूँ। जो भी धर्म स्थापन करने वाले हैं उन्हें सतगुरु नहीं कह सकते, सतगुरु एक ही है। कोई ने कारपेंटर का काम किया, कारपेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया तो वो भी गुरु हो गया। हर एक सिखाने वाला गुरु होता है, सतगुरु एक है।
अब तुम्हें सतगुरु मिला, ये सत्य बाप भी है, सत्य टीचर भी है, सतगुरु भी है। बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी, यहाँ से अच्छी रीति रिफ्रेश होके जाते हैं, घर में जाते हैं सब भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तुम सम्मुख पढ़ते हो, बाहर घर में तो ऐसा नहीं कहेंगे, यहाँ पर तो सम्मुख पढ़ते हो, मधुबन में आते हो, सेंटर पे जाते हैं तो निमित्त बहनें बाबा की मुरली पढ़ के सुनाती हैं। बाबा कहते इस समय मैं तुम्हें सम्मुख पढ़ाने आता हूँ। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे बच्चे कह के समझाते हैं कि तुम शिवालय और वैशाल्य को समझते हो, ये बेहद की बात है, ये क्लियर करके दिखाओ तो मनुष्यों को कुछ मज़ा आए। वहाँ तो ऐसे ही हंसी कुंडी में समझाओ, सीरियस हो के समझाओ, अच्छी रीति समझें, रहम करो अपने पर, क्या इस वैशाल्य में ही रहना है? बाबा सावधान करें, क्या इस वैशाल्य में ही रहना है? बाबा के ख्यालात तो चलते हैं ना, कैसे कैसे समझाएं, बच्चे कितनी मेहनत करते हैं फिर भी जैसे डिब्बी में ठीकरी, हाँ हाँ करते रहते हैं। बहुत अच्छा है, गांव में समझाना चाहिए, खुद नहीं समझते, कहीं दूसरों के लिए कहते हैं हाँ वहाँ पे समझाना चाहिए, वहाँ पे सेवा होनी चाहिए, खुद कुछ भी नहीं समझते। साहूकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं, बिल्कुल अटेंशन ही नहीं देते, वो पिछाड़ी में आएंगे फिर तो टू लेट हो जाएगा, ना उनका धन काम में आएगा ना ही वो योग में रह सकेंगे। साहूकारों का धन भी काम में नहीं आएगा और ना ही वो योग में रह सकेंगे, बाकी हाँ सुनेंगे तो प्रजा में आएंगे। गरीब बहुत ऊंच पद पा सकते हैं, तुम कन्याओं के पास क्या है? कन्या को गरीब कहा जाता है। बाप कहते हैं कन्याएं बहुत ऊंच जा सकती हैं, तुम्हें डरना नहीं, खुली रीति समझाना है, बहुत फुर्त होना चाहिए। तुम बिल्कुल सच कहते हो, ये संगम युग है, उस तरफ चने मुट्ठी, इस तरफ हीरों की मुट्ठी। अब तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो, पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए, ये जन्म हीरे जैसा है, शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए, कोई कोई की तो शक्ल जैसे रीढ़ बकरी मिसल, थोड़ा आवाज़ से ही डर जाते हैं, कईयों भय का संस्कार होता है वो जल्दी डर जाते हैं। बाबा कहते बहादुर शेरनी बनो, शिव शक्तियाँ हो। बाबा बच्चों को खबरदार कहते करते हैं, कन्याओं को कहीं फंसना नहीं चाहिए, कन्याओं को बाबा की सेवा में लग जाना है, ईश्वरीय सेवा करना बहुत बड़ा भाग्य है। बाबा कहते हैं कि तुम ज्ञान अच्छी रीति समझेंगी तो विश्व की महारानी बनेंगी। मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देने आया हूँ, परंतु किसी किसी के नसीब में नहीं है। बाबा है गरीब निवाज, कन्याएं हैं गरीब। बाबा कहते हैं अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं ताकि हम पास विद ऑनर हो जाएं, उनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलती है, जो अच्छी स्टडी करते हैं उन्हें ही स्कॉलरशिप मिलती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, वो भी 21 जन्म के लिए। यह है अल्पकाल का सुख, आज कुछ मर्तबा कल मौत आ जाएगा। सब क्लास आज कुछ मर्तबा पाएंगे कल मौत आएगा, सब क्लास। योगी और भोगी में फ़र्क है। बाबा कहते गरीबों पर ज़्यादा अटेंशन दो, साहूकार मुश्किल उठाएंगे, सिर्फ कहते बहुत अच्छा है कि संस्था बहुत अच्छी है, बहुतों का कल्याण करेगी, अपना भी हम कुछ कल्याण करें वो नहीं करते हैं। बहुत अच्छा कहाँ, बाहर गए सब क्लास, माया डंडा उठा के बैठी है, हौसला ही गुम कर देती है, एक ही थप्पड़ लगाने से अकल चट हो जाती है। बाबा कहते भारत का हाल देखो क्या हो गया, बच्चे ड्रामा को तो अच्छी रीति समझ गए हैं, फिर से ड्रामा रिपीट होता है, फिर से भारत स्वर्ग बनता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, चावल मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है, किसी भी बात में डरना नहीं, निडर बन बंधनों से मुक्त होना है,
अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। इस दुखधाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम सुखधाम को याद करना है। माया के विघ्नों को जान उनसे सावधान रहना है। माया के विघ्नों को जान उनसे सावधान रहना है। बहुत सुंदर वरदान। गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो। अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। पहला पाठ है विधि, अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो हर समय पहले ये पाठ पढ़ो फिर औरों को पढ़ाओ। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सकें। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो अनेक आत्माएं अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सकें। स्लोगन है परमात्म स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। परमात्म स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। आज वरदानी दिवस पर दिल से वरदान लेंगे और सबको देंगे। मैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। श्रेष्ठ स्मृतियाँ इमर्ज रखेंगे। स्वयं भगवान मेरा साथी है। सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला भगवान मेरा मददगार है। जिनसे भी मिलेंगे उन्हें भी वरदान देंगे। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव शक्तिशाली भव सहज योगी भव कर्म योगी भव। बाबा से शक्तियां लेकर सबको देते जाए। वायदा करें मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। नो टाइम वेस्ट। ना ही डरना है। एक एक सेकंड याद में सफल करना है। मैं अर्जुन हूं जिसे गीता ज्ञान मिल रहा है। मेरे सभी संबंध सर्वशक्तिमान से हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।